हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे गेम प्ले वीडियो। तो हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। तो गाइस, हमने पिछली वाली वीडियो में माइनिंग करने गए थे डायमंड्स की, या वैसे डायमंड माइनिंग। तो हमें डायमंड तो मिले नहीं, बट मुझे डायमंड पिछले वाले मिले जो मैंने पहले रख रखे थे। तो वे मैंने डायमंड तोड़े नहीं, वो मैं फॉर्चून वाले पिकैक्स बनाऊँगा, अनचेन डालूँगा और तब तोड़ने जाएंगे, क्यों हमें उससे ज़्यादा मिलेंगे। तो गाइस, अब आज हम करने वाले अपने कुछ वेपन को एनचेंट। यस गाइस, हम थोड़े वेपन एनचेंट करना चाहते हैं अपने, तो इसके लिए हमें लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं दोबारा, तो हम चलते हैं। सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेगी, बुक्स। बुक्स बनाने के बाद फिर हमें बनानेंगे बुक शेल्फ। तो बुक बनाने के लिए हमें चाहिए पेपर और बनते शुगर कैन से। तो हम चलते शुगर कैन कलेक्ट करने के लिए। तो गाइस, हमने 60 शुगर कैन कलेक्ट कर लिया है। तो हम चलते हैं अब बनाने के लिए, कि इतना बहुत है मेरे पास ऑलरेडी, पहले भी पड़ी है। अब ये स्केलेटन क्या कर रहा है इधर भाई? स्केलेटन क्या कहा कर रहा था इधर? है सामने है भाई तुम्हें, इधर आ, पासा। स्केलेटन चलते हैं गाइस अंदर। तो ये मेरा ऑटोमेटिक शुगर कैन है, इससे भी थोड़ी शुगर कैन ले लेते हैं। यस गाइस, ये वर्क कर रहा है, अभी थोड़ी है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होती रहेगी। और गाइस, मैंने ये कैक्टस का बनाया, मैंने पहले भी दिखा दिया, दोबारा दिखा रहा हूँ। और मैंने थोड़े पोटैटो उगाए हैं, मुझे पोटैटो भी चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पर थोड़े उगा दिए, फार्मिंग कर दिया पोटैटो की। तो अब चलते हैं बुक्स बनाने। तो बुक बनाने से पहले गाइस, हमें पेपर बनाने पड़ेंगे। तो पेपर की रेसिपी ऐसे होती है, शुगर कैन ऐसे रखो, तो मैं थोड़े बनाऊंगा, मैं 6 बना लिया। और आपको बता देता हूँ बुक कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास लेदर चाहिए, मेरे पास लेदर 49 पड़ा है, तो मैं ले लेता हूँ। तो अपने क्राफ्टिंग टेबल पर जाए, बुक की रेसिपी ये होती है, तो मैं यहाँ से बुक बना लेता हूँ 2। मैंने थोड़ी बनाई है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी है बुक्स, तो मैं उन्हें यूज़ करने वाला हूँ। हाँ, ये रही है 28 बुक्स है गाइस। मैं विलेज में गया था, वहाँ पे एक लाइब्रेरी था, उसकी मैंने लाइब्रेरी की बुक चुरा ली। तो मुझे थोड़ी वुड चाहिए होगी, एक स्टैक, 2 स्टैक ले लेते हैं। नहीं, ये वाला स्टैक नहीं, ये वाला स्टैक ले लेते हैं। हाँ यस। तो गाइस, आपको बताते बुक शेल्फ बनाने की रेसिपी ये होती है, 3 बुक बीच में रखिए और वुड रख दीजिए ऊपर। मैं बना लेता हूँ, 1 2 जितने बनते हैं उतने बनाते हैं। 10 ही बनी है, 10 नहीं, हमें और बनानी है। तो पहले मुझे पेपर बनाने, 15 बनाने हैं खास कर। तो मुझे तो मैं सारे के पेपर बना लेता हूँ। पेपर बना लिए, बना लिए। अब बना लेते हैं उनकी बुक्स। तो बुक्स के लिए मुझे लेदर चाहिए, मैंने लेदर वापस रख दिया, सॉरी गाइस। मुझे बुक बनानी है, तो मैं बुक बना लेता हूँ। मैं बहुत सारी बुक बना लूँगा, सारी बना लूँगा, तो मैं थोड़ी बुकों को एनचेंट करके रखूँगा। तो मैंने सारी बुक बना लिया। अब मैं 1 2 3 4 5 6 चलो 16 ही बना लिया। तो गाइस, मैंने बुक वो बना लिया बुक शेल्फ। अभी चलते हैं अपनी लाइब्रेरी में, मैंने लाइब्रेरी बना रखी है गाइस। गाइस, ये जा तो नहीं रहा, गया उतर। तो ये मेरी लाइब्रेरी है, तो इस लाइब्रेरी में बुक शेल्फ रखते हैं। तो गाइस, मुझे एक ब्लॉक छोड़ के रखना है, 1 2 3 एक इधर ठीक है, एक इधर
ठीक है, और बाद में कर देंगे आगे। तो गाइस यहाँ हो गए, हमें और बुक शेल्फ बनाने हैं, बनाने नहीं बनाने पड़ेंगे। मैं तीन तीन लेयर तक बुक शेल्फ रखूँगा। तो गाइस आप देख सकते हो बुक शेल्फ से थोड़े अक्सर लेता है, इसमें एन्चेंटमेंट देखते हैं और क्या क्या है। फॉर्चून आई है, फॉर्चून 3। ये तो मैंने डायमंड पिकैक्स पे लगाऊंगा, ये मुझे यही तो चाहिए थी यार। तो मैं इसे ले लूँगा थोड़ी देर में आके, मैं और बुक शेल्फ बनाता हूँ, मुझे और शुगर केन चाहिए। आगे चलते हैं, ऑलरेडी मैंने शुगर केन रख रखे गाइस पहले भी, तो और शुगर केन ले लेता हूँ 64। तो चलो चलते हैं, पेपर बनाते हैं और बुक बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ पेपर। पेपर बना लिया मैंने, अब बना लेते हैं बुक्स। यार फॉर्चून मिल रही है मुझे, अब बना लेता हूँ बुक शेल्फ। तो गाइस 5 बने हैं, डोंट वरी। तो मैं अपने डायमंड पिकैक्स में लेके चलता हूँ कि मैं फॉर्चून लूँगा उसमें, जो चाहिए था वो तो मिल गया मुझे गाइस। तो चलते हैं, अबे चलना यार, आज मुझे बुरा लगता है, ये जाता नहीं अंदर। हाँ जा रहा है, जा रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे, बुक शेल्फ लगा देते हैं, एक इधर एक इधर, एक और चाहिए गाइस, बस मुझे एक और चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, और बाद में मैं लगा दूँगा ऊपर। तो गाइस मैं अपने इसमें फॉर्चून ले लेता हूँ, तो मुझे लैपिश चाहिए, मेरे पास लैपिश पड़े हैं बहुत सारे, तो मैंने यूज़ कर लिया। अपने एंचेंट टेबल पे गए, डायमंड पिकैक्स, इस पर क्या मिल रहा है, फॉर्चून ही मिल रहा है। तो गाइस मुझे रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, अनब्रेकिंग, मुझे 30 लेवल चाहिए यार। तो गाइस मैं 30 लेवल कर लूँगा, तब एंचेंट करेंगे अपने उसको। तो मेरे पास 30 लेवल नहीं है, तो कोई बात नहीं गाइस, डायमंड इसको रख देते हैं अपने, किस्मत ही फूटी है गाइस मेरी। तो रात हो गई है, मैं एक काम करता हूँ, रात को निकलता हूँ और ज़ॉम्बीज को मारते हैं। अरे क्यों छुपाता है, नहीं भाई क्रीपर भी है, चलो कोई बात नहीं, डरने में ही है। किधर है यार ज़ॉम्बीज, देखो गाइस यार ज़ॉम्बी भी स्पॉन नहीं हो रहे, इधर पीछे होंगे। वो एंडरमैन, एंडरमैन से पहले हो क्या, एंडरमैन भाग गया गाइस, मुझे एंडरमैन को ही दफील था। कोई बात नहीं गाइस, अब चल के सोते हैं, सुबह चलते हैं, बाद में लेना है। एंड में नहीं पे, इसको मारूंगा आज मैं, एंड एंड चाहिए। एंडरमैन वेयर आर यू, तो गाइस एंडरमैन तो मिला नहीं, चलो भाग लेते हैं थोड़ा। गाइस मेरे इसमें एक स्केलेटन फंस गया, उसको मारते हैं, कुछ एक्सपी। अबे नहीं नहीं नहीं, क्रीपर भी है, क्रीपर इधर आ, हाँ आ जा, नहीं नहीं भाग गया, आई क्रीपर को उड़ा दिया हमने, स्केलेटन। अबे स्केलेटन तेरी ऐसी की तैसी, ये मार भी रहा है यार, ये भी तो बात है, वो अब गया, इस बार नहीं छोड़ रहा तुझे मैं, इससे हड्डियाँ मिले थोड़ी हड्डी। गाइस मुझे अंडरमैन को तो मारना था, बट वहाँ पे क्रीपर भी है, हमें क्रीपर के साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, यार क्रीपर बहुत बुरा है भाई। इधर ही आ रहा है अंडरमैन, आ जा भाई एंडरमैन, तो
ला तो नहीं गया है। मुझे तो नहीं मारेगा। मार रहा भाई। भाई इसलिए मैं मार रहा हूँ क्यों एंडरमैन मार रहा हूँ। ओए एंडरमैन भाग गया। गाइस मैंने थोड़े वो बना तो लिया है बुकशेल्फ। मेरे पास एक्सपी नहीं है तो मैं इंचेंट कर नहीं सकता अपने वेपन्स को। तो हम एक्सपी फार्म भी बनाएंगे अगली वीडियो में। गाइस मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सपी फार्म बनाऊंगा मैं। तो मैं थोड़ी शुगर कैन और ले लेता हूँ के पास हो। मुझे एक बुक शेल्फ और चाहिए। तो एक बुक शेल्फ बनाते हैं और रख के आते हैं वहाँ पे। मेरे पास शुगर कैन और है तो मैं 12 ये रहा एक ये रहा। तो बहुत है गाइस शुगर कैन तो मेरे पास शायद से ज़्यादा नहीं है कोई बात नहीं ला लेंगे। तो मैं कितने बुक बना सकता हूँ 5 तो 5 बना लेते हैं। एंड हमें क्या चाहिए एक बुक शेल्फ। तो हमारे पास वुड्स भी कम मतलब गाइस ख़त्म हो गया तो मुझे वुड भी चाहिए। तो 32 तो वुड ले लेते हैं एंड बना लेते हैं एक बुक शेल्फ। एक ही चाहिए। अरे यार ये अंडरमैन भी पिटेगा भाई। कोई बात नहीं इसे बाद में देखेंगे। चल तो गाइस पूरा हो गया। रुक जाओ गाइस यहाँ से थोड़ी टॉर्चेस हटा देते हैं। टॉर्च हटाने के बाद ज़्यादा वो लेता है अक्षर। ये उजाला उधर है मैं सारी हटा देता हूँ। देखो गाइस आप देख सकते हो एंचेंटिंग टेबल कितनी रोशनी कर रहा है खुद ही। तो ये अक्सर लेके इसमें अच्छी अच्छी एंचेंटिंग आती है जैसे फॉर्चून 3 आ गई। मुझे फॉर्चून ही चाहिए गाइस। इसमें फॉर्चून 3 पिकैक्स में तो आ रही है। स्वॉर्ड में देखते क्या आ रही है। स्माइट 5 गाइस आप देख सकते हो इतने अच्छे अच्छे एंचेंटमेंट आ रही है। स्माइट 5 मिल रही है मुझे। स्माइट मिल रही है गाइस इतनी तगड़ी है स्माइट। मुझे किस पे लगानी चाहिए बैन ऑफ द। अच्छा स्माइट मिल गया एक नॉक बैक। तो गाइस इन्हें बाद में लेंगे हमारे पास इतने लेवल्स नहीं हैं। तो हम लेवल्स भी इकट्ठे करेंगे ऑफलाइन। तो गाइस हमने अपने एंचेंट के लिए वो बना लिया है बुक शेल्फ। तो वहाँ पे थोड़े डेकोरेटिंग भी तो कर जाओ। मेरे पास थोड़ी ये है इसमें भी नहीं है। इसमें भी तो गाइस इसे ये बना लेता हूँ कारपेट। तो मैंने 26 कारपेट बना लिया है। नीचे चलता हूँ कारपेट को लगा दूंगा तो अच्छे लगेंगे। तो गाइस देखो कितने अच्छे लग रहे हैं कारपेट लगने के बाद। तो मैं लगा देता हूँ सारे के सारे बट मैं ज़्यादा आगे लगाऊंगा। पीछे तो इतने देखने वाला तो कोई है नहीं बट आगे तो देखेंगे। आगे लगा देता हूँ। ये कहाँ लग गया तो इसे तोड़ के क्लट करके लगा देते हैं। तो गाइस हमने लगा दिया है देख सकते हैं अच्छा लग रहा है बट इसे थोड़ा सा रह गया तो इसे भी देखेंगे करेंगे। ये एक लेवल मतलब दीवार बड़ी होगी तो इसे थोड़ा कवर कर देंगे। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि तुम्हें और कोई गेम्स की वीडियो चाहिए या नहीं।
मैं चाहता हूँ कि माइनक्राफ्ट के साथ साथ मैं पबजी और फ्री फायर वगैरह मतलब बहुत सारी गेम्स की वीडियो डालता रहूँ। जो आपको चाहिए प्लीज़ वो बताना। मैं पबजी के बाद वन ब्लॉक भी खेलने की सोच रहा हूँ, उसकी वीडियो डालूँगा। तो आपको जो चाहिए मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।